और एक बड़ा महत्वपूर्ण ज्वलंत विषय जो आपके सामने तथ्यों के साथ उजागर करने के लिए आज एक प्रेस वार्ता बुलाई। इस प्रेस वार्ता को हमारे अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी संबोधित करेंगे। आपके साथ प्रदेश के महामंत्री भाई कुंजी सिंह चहल, उपाध्यक्ष भाई राजीव बब्बर और हमारे मीडिया रिलेशन विभाग के प्रभारी भाई हरीश खुराना जी भी उपस्थित हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ और अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि प्रेस आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल जी, उपाध्यक्ष राजीव बब्बर जी और हमारे प्रवक्ता हरीश खुराना जी, नवीन कुमार जी, शंकर कपूर जी, मीडिया के सभी साथी, फोटोग्राफर साथियों, बहुत ही दिल्ली वासियों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जिस तरह पूरे देश ने कई गणतंत्र दिवस, एक और हमारे जापान सेना के जवानों ने अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया राजपथ पर परेड का, वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाला और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले ऐसे दृश्य भी दिल्ली के अंदर देखे गए। जब पूरा दिल्ली एक तरह से बंधक बन गई और हद तो तब हो गई कि भारत की ऐतिहासिक गौरव के प्रतीक लाल किला पर उपद्रवियों ने बहुत ही शर्मनाक काम किया है। और जब इन सब बातों को लेकर जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं वो बहुत ही कष्टदायक है, क्योंकि इन उपद्रवियों में वो लोग शामिल थे जो आज दिल्ली की सरकार चला रहे हैं, दिल्ली की आम आदमी पार्टी के लोग। वो आम आदमी पार्टी के लोग उन उपद्रवियों में शामिल होकर उनको हवा दे रहे थे, दिल्ली में जो हुई हिंसा उसको अंजाम दे रहे थे। और मैं ये कहूंगा कि जो अराजकता कल देखी गई है दिल्ली के अंदर, जिस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब 2013 में मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने भी 26 जनवरी 2014 को 26 जनवरी 2014 के अंदर खुद स्वीकार किया था, हाँ मैं अराजकवादी हूं, 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड को होने नहीं दूंगा। ये सिर्फ उन्होंने उस समय कहा था, आज वो शांत हो गए ऐसा नहीं है। आप घटनाक्रम में जाएंगे, जिस तरह से इस आंदोलन को आम आदमी पार्टी की तरफ से फंडिंग दी गई, दिल्ली की सरकार जहां एक ओर यहां के कोरोना संकट में यहां के मजदूरों को पलायन करने पर मजबूर करती है, वहीं वो इन उपद्रवियों को बुलाने के लिए उनके रहने का, उनके खाने का, उनके सब सुविधाओं का इंतजाम, उनको वाईफाई देना, दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद जाकर आम आदमी पार्टी के नेतागण जाके, यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक जाके, पंजाब में जाकर फाइनेंसर से मिलना और जो इस पूरे आंदोलन को फंडिंग कर रहे उनके साथ मीटिंग करना, इस बात का साफ प्रमाण है कि कल की हिंसा के पीछे आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर अराजकता की स्थिति पैदा करने चाहती थी, इसीलिए ऐसा सब हुआ और उन्हीं के कारण हुआ है, क्योंकि इनकी मानसिकता अराजकवादी है। ये कहने को अपने आप को आम आदमी पार्टी कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में अरविंद अराजक पार्टी है।
ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये अरविंद अराजक पार्टी है। देखिए विचार एक होता है, विचार के आगे जो हिंसा करता है वो नक्सलाइट होता है, और जो हिंसा को इस तरह से अराजकवादी आंदोलन में तब्दील करता है वो अरविंद अराजक पार्टी एएपी होती है, और वही आज दिल्ली में ये अराजक पार्टी है। समाज के ताने बाने को बिखराव कर देना, ताने बाने के अंदर धार्मिक सद्भावना को समाप्त कर देना ही इनका उद्देश्य है, और एक बार नहीं कई बार हुआ है। कल के तो मैं आपको कल के दृश्य सब लोगों ने देखे होंगे, ये आम आदमी पार्टी के ये राज, ये देखिए ये आम आदमी पार्टी तिलक नगर की यूनिट के पदाधिकारी ने जो खुद ये देखिए, ये मान के साथ भी है, वहां के विधायक के साथ है, लाइट जल्दी, ये इनकी कारगुजारियां हैं। जिस तरह से कल उन्होंने किया, पूरी दिल्ली ने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये आंदोलन में जो आंदोलनकारी थे तो ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहां से आए? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जो आम आदमी पार्टी के मुखिया भी हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ आप जाकर वहां आंदोलनकारियों को हवा दे रहे, उनको भोजन उपलब्ध करा रहे, उनको सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे, दूसरी तरफ लाल किले के अंदर और दिल्ली के अंदर जो अराजकवादी अराजकता फैलाई है उसका जिम्मेदार कौन है? इनमें से एक अमरीक सिंह है, एक सुखविंदर सिंह है, दोनों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक वहां के जो विधायक हैं जनरल सिंह उनके खास हैं। इन सब बातों को लेकर ऐसा लगता है, और इससे पहले भी आपने देखा होगा बीच में जब ये सिंघू बॉर्डर गए थे वहां पर मुख्यमंत्री साहब खुद जाकर उनको वाईफाई देने की सुविधा का ऐलान करके आए थे, उनको वाईफाई सुविधा दी गई, और ये सुनियोजित तरीके से दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए, दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार करने का काम आम आदमी पार्टी की तरफ से सुनियोजित साजिश है और उसी के तहत किया गया, और ये इनकी मानसिकता है। ये मानसिकता जो इनकी है उसको उजागर किया है इस कल की घटना से। शायद आपको ध्यान होगा जब मैं पहले बात कर रहा था कि जब मुख्यमंत्री साहब खुद धरने पर बैठ गए उस समय भी उन्होंने कहा था, और इसके बाद कई ऐसे मौके आए जब इन्होंने दिल्ली में अराजकवादियों का साथ दिया, और ये इनकी मानसिकता जाहिर होती है। इनकी पार्टी के नेता भी यही काम करते हैं, जब इनका खुल जाता है, चाहे वो सोमनाथ भारती हो, चाहे वो ताहिर हुसैन हो, चाहे वो अमानतुल्ला खान हो, वो जब इनकी खुल जाती है, लोगों के सामने पता लग जाता है, वो सामने आ जाते हैं। नहीं तो वो इन सबके जो मुखिया है, सरदार है, वो अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली में वास्तव में आज जिस तरह से ये तिरंगा के साथ जो तिरंगा का अपमान हुआ है गणतंत्र दिवस के अवसर पर, दिल्ली की जनता भी इनको माफ नहीं करेगी, और मैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से ये पूछना चाहता हूं कि आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको स्पष्टीकरण करना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता उस उपद्रव में क्या कर रहे थे। ये उनकी सोची समझी साजिश थी, सोची समझी रणनीति थी। कोई भी किसी को अधिकार नहीं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए, आप भारत के संविधान के साथ भारत माता का अपमान नहीं कर सकते। हर किसी भारतवासी के मन में
एक कष्ट हुआ है जब एक तिरंगा झंडा को अपने राष्ट्रीय ध्वज को फेंका गया और वो भी उन उपद्रवियों के साथ राजनीतिक दल के लोग हैं। मैं किसान नेता भी जो है, किसान नेता भी राजनीतिक दलों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और इसीलिए वो किसान नेताओं ने जो काम किया उनकी ये भी साजिश थी, वो राजनीतिक दलों के इशारे पर काम कर रहे थे। इससे ये पूरा साबित हो चुका है कि पूरा का पूरा आंदोलन एक राजनीतिक मोटिवेटेड है, राजनीतिक दलों से संबंध रखता है और उनके द्वारा ही संचालित होता है, जिसका उद्देश्य है दिल्ली और देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करना, सामाजिक सद्भाव को खत्म करना, सामाजिक ताने बाने को समाप्त करना, ये इनका उद्देश्य है। और आज ये बात सब लोग जान चुके हैं समाज के अंदर। मैं दोबारा से दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, आपको जवाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता आपसे जानना चाहती है आखिर आम आदमी पार्टी के लोग वहां क्या कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी ने